सबर लगातार तेज हो रहा है और जो कहे कि बयानबाजी है काफी तेज हो रहा है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया राहुल गांधी का चुनाव लड़ना। राहुल गांधी जब से हम रायबरेली की बात हुई है तो विपक्ष में खलबली मची हुई दिख रही है। विपक्ष में ऐसे भी खलबली है, हम देख रहे थे एक्सिस का ओपिनियन पोल आया है और उसमें इनको मेजोरिटी नहीं मिलने जा रहा है। जो ओपिनियन पोल है उसमें इंडिया गठबंधन को 43% और इनको 44%, तो इतना ही का 1% का डिफरेंस है। जो चुनाव आते आते अभी मुझे लगता है कि हम ही लोग 1% आगे बढ़ गए। मोदी जी बोल रहे हैं, जो डरने की बात कर रहे थे कि डरो मत, वो भाग रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि जो बोलते थे डरो मत, वो भाग रहे हैं, यानी अमेठी से भाग के रायबरेली चले गए। कहाँ भाग रहे हैं, वो तो वापस आ गए। उनका उनका विरासत है, रायबरेली में इंदिरा जी चुनाव लड़ी, इनके इनके बाद सब लोग राजीव जी आए, संजय गांधी जी आए, सब लोग तो उसी कंस्टिट्यूएंसी से लड़ते रहे हैं। कल मोदी जी ने कहा कि देश में एक युवराज है, पटना में एक युवराज है। अभी उनकी माँ सोनिया गांधी भी वहीं की एमपी थी अभी तक, तो उस सीट पर वो गए हैं, तो भागे कहाँ हैं। नहीं, अमेठी से भाग के जो रायबरेली, मतलब कहना है, मतलब सोनिया जी का सीट कौन लड़ता है? मोदी जी को अब ऐसा सवाल तो ये बनता नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से लगातार मतलब जो बातचीत हो रही है और कांग्रेस जो स्टैंड मतलब बाद में क्लियर हुआ रायबरेली को लेकर के, तो बीजेपी यह भी कर रही है कि जो वायनाड की जनता को उसको आप लोगों ने मतलब अंधेरे में रखा। किसको अंधेरे में रखा? वायनाड की जनता को, जो आप लोगों ने वोट की जनता को अंधेरे में क्या रखा है? वायनाड में चुनाव हुआ है, रायबरेली में चुनाव होना था। रायबरेली उनका विरासत है, वर्षों सैकड़ों साल का विरासत है, तो उस सीट को कैसे छोड़ सकते थे? अखिलेश जी, नीतीश अमेठी में कोई ऐसा थोड़े है कि वर्षों से सेवारत केएल शर्मा जी वहाँ उम्मीदवार बने हैं, वो लगातार वो चुनाव क्षेत्र को देखते थे, तो वो कोई कांग्रेसी नहीं है क्या? अच्छा, एक चीज बिहार के चुनाव प्रचार में देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार आरजेडी पर बोलते हैं, परिवारवाद पर बोलते हैं, लेकिन कांग्रेस पर कुछ नहीं बोल रहे। कांग्रेस के पर कुछ नहीं, तो सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। क्या लग रहा है, कुछ है अंडरस्टैंडिंग से मिले? नहीं, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जब तक जो बीजेपी के साथ चला गया उसका कांग्रेस से अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं सकता है। साफ तौर से ये कहना है अखिलेश सिंह, जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, और इनका साफ कहना है कि राहुल गांधी का जो फैसला है वो उनके परंपरागत सीट को लेकर के है, और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, यानी कि सत्ता पक्ष के पास, और जो भाजपा है या भाजपा के जो लोग हैं वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। और जहाँ तक नीतीश कुमार का सवाल है कि नीतीश कुमार क्यों नहीं हमलावर है कांग्रेस के ऊपर ज़्यादातर, तो इस पर भी कांग्रेस अध्यक्ष जो अखिलेश सिंह ने, उन्होंने साफ तौर से कहा जो भाजपा के साथ चले गए वो भाजपा के साथ हैं, जो हमारे साथ हैं उसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं है। सहयोगी हीरक साथ विश्व कुमार, पटना। हजारों छात्रों के सपनों को सफलता की उड़ान देता गोल इंस्टीट्यूट, 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका रिजल्ट फैक्ट्री के रूप में विख्यात, झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।